बीएससी पार्ट थर्ड के सभी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सत्र में फ्रैंकहर्ट्ज प्रयोग से आगे कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशंस पढ़ने जा रहे हैं, और ये प्योरली मैथमेटिकल हैं, और जिसमें किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके लिए श्रोडिंगर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के पश्चात इलेक्ट्रॉन्स की गति के कारण उनमें जो कक्षक हैं उनकी आकृतियों का पता करेंगे कि आकृतियां किस प्रकार की बनती हैं। तो ये प्योरली क्वांटम मैकेनिक्स का एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, जिसको अगर आप देखेंगे थोड़ा सा टिपिकल भी है। तो सबसे पहले जो चीज़ अपन इसमें ले रहे हैं वो है गोलीय सममित विभव के कारण श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व कर रहा है, गतिशील है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो गोलीय सममित विभव एक ऐसे विभव को कहते हैं जो केवल स्थिति सदिश आर के मान पर ही डिपेंड करता हो, अर्थात वी इज फंक्शन ऑफ आर ओनली। क्लियर? अर्थात गोलीय सममित विभव वी जो इसके एंगुलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं थीटा फाइव पर निर्भर नहीं करता है, ऐसे विभव को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल पोटेंशियल क्षेत्र कहते हैं। और माना इस विभव क्षेत्र में स्मॉल एम द्रव्यमान का एक कण गतिशील है, और उसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन मैंने आपको बताई थी माइनस एच स्क्वायर अपॉन टू एम डेल टू प्लस वी साई आर बराबर ई साई आर, या इसको डेल टू साई आर प्लस टू एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर जीरो भी लिख सकते हैं पक्षांतरण करने के बाद। यहाँ पर ई क्या है? कण की कुल ऊर्जा होती है, तथा साई क्या है? जो कण है उसका अवस्था फलन है। क्लियर? अब इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए ये जो पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि माना एकल इलेक्ट्रॉनिक परमाणु है अपने पास, और एकल यानी ऐसा परमाणु है जिसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए श्रोडिंगर जैसे एच परमाणु जो होता है, एच परमाणु में आप देख पाते हैं कि केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है, और उसका जो वी है उसका जो वी का जो मान है वो इस प्रकार का होता है कि जिसमें उसका जो मास है वो निकाला जाता है, और मास जो निकालेंगे आप वो ऐसे निकालेंगे कि समानी द्रव्यमान के सूत्र से निकाल लेंगे एम ई एम एन अपॉन एम ई प्लस एम एन, और श्रोडिंगर इक्वेशन में ये वाले मान आप रखते जाएंगे तो डेल टू साई प्लस टू एम अपन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई आर बराबर जीरो, जहाँ पर वी क्या होगा? वी बराबर क्या होगा? के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, क्यू वन कितना है जेड ई, क्यू टू कितना है ई, और ये क्या हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, वी का मान जेड का मान कितना होगा इसमें एक होगा। अब जो गोली जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनके लिए आर थीटा फाइव सिस्टम में अपन जानते हैं, ये चीज़ पढ़ी हुई है पहले कि एक्स बराबर आर साइन थीटा कॉस फाई, आर साइन थीटा साइन फाई होगा वाई का मान, और जेड बराबर क्या होगा? आर कॉस फाई, आर कॉस थीटा। तो डेल टू का जो एक्सप्रेशन है उसको भी अपन जानते हैं, डेल टू बराबर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपन जानते हैं, और सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी डेल टू का मान जानते हैं। तो उसी डेल टू का जो मान है उसी डेल टू के मान को अपन रखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। डेल टू का जो मान होता है वो क्या होता है कि एक बटे आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर, आर टू डेल अपॉन डेल आर प्लस एक बटे आर स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा प्लस एक बटे आर स्क्वायर साइन थीटा डेल टू अपॉन डेल फाइव स्क्वायर और साई आर थीटा प्लस टू एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई आर थीटा फाइव। ये अपना स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में श्रोडिंगर इक्वेशन है, और बाकी सब चीज़ें वो के वही हैं। अगर डेल टू का मान कार्टेशियन में रखना होता है तो आपको पता है डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर लिखते हैं, अगर अपने को
स्फेरिकल में लिखना है तो ये आपके सामने आ रहा है, ये पूरा जो ब्रैकेट है ये वाला यहाँ से यहाँ तक ये स्फेरिकल का है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को अब अपने इसको स्फेरिकल फील्ड में सॉल्व करने जा रहे हैं, इसलिए इसको स्फेरिकल फील्ड वाला ये लिया है। क्लियर? तो इसमें जो चीज़ अपन देख पा रहे हैं वो ये है कि यहाँ पर जो सबसे पहले इसको सॉल्व करना, जैसे इसमें तीन कोऑर्डिनेट्स हैं, आर है, थीटा है, फाई है, और आर थीटा फाई को अपन कि इसका हल निकालना चाहते हैं चरों के पृथक्करण की विधि के द्वारा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स के द्वारा इसको निकालना चाहते हैं। क्लियर? तो आप ये देख पाएंगे कि एकल के लिए निकालेंगे आप इसको, तो सबसे पहले क्या मानेंगे आप, साई आर थीटा फाई बराबर कैपिटल आर, जो केवल आर का फंक्शन होगा, वाई एक अलग मान लेंगे जो थीटा और फाई का फंक्शन है, ठीक, इसको भी बाद में अलग कर देंगे तो ये थीटा का भी अलग हो जाएगा, फाई का भी अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, इनको एक ही रखा जा रहा है। क्लियर? तो ये जो साई आर थीटा का जो मान है, ये वाला जो मान है, इसको कहाँ रखने जा रहे हैं, यानी कहाँ रखेंगे, ये यहाँ रखेंगे, इस जगह यहाँ रखेंगे, तो आप देख पाएंगे यहाँ पर कि डेल अपॉन डेल आर बन जाएगा, ये डेल अपॉन डेल आर बनने के बाद आर टू डेल आर अपॉन डेल आर बनेगा, प्लस आर 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 स्क्वायर साइन थीटा डेल अपॉन डेल थीटा साइन थीटा डेल वाई अपॉन डेल थीटा प्लस आर 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 स्क्वायर, इसमें एक साथ भाग भी लगा दिया है, जैसे जो कैपिटल आर का पद है उसमें कैपिटल वाई बाहर आ जाएगा क्योंकि कैपिटल वाई आर पर डिपेंड नहीं करता है, इसी प्रकार जो वाई वाला थीटा वाला पद है उसमें भी कैपिटल आर बाहर आ जाएगा, और जो फाई वाला पद है उसमें भी कैपिटल आर बाहर आ जाएगा, और एक साथ सभी में क्या कर दिया है अपने, इसको डिवाइड कर दिया है, और डिवाइड करने के बाद ये जो राशि है आपके सामने, यानी आर और वाई से जब डिवाइड कर देंगे तो ये राशि आपके सामने आएगी। अब बाईं ओर से इसमें क्या किया है, बाईं ओर से आर टू बटे आर वाई का गुणा कर देंगे, यहाँ गुणा कर देंगे अपन इस पूरे पद में भी, और इस पूरे पद में भी जो गुणा करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप की राशियाँ आपको दिखाई देंगी। इसमें आप ये चीज़ देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जब आपने गुणा कर दिया तो ये जो पद है, ये एक बटे आर वाला जो पद है ये आप देख रहे हैं, ये केवल आर का बन गया है, और जो पक्षांतरण करने के बाद दूसरा पद किसका बन गया है, ये पूरा वाई का है, आप देख पा रहे हैं यहाँ तक, ये वाई का पद है और ये पूरा वाई का बन गया, इसको बोलते हैं चरों के पृथक्करण की विधि के द्वारा इसको सॉल्व करना। अब आप इसमें ये चीज़ देख पा रहे हैं कि जो दायां पक्ष है कैपिटल आर का है, जो बायां पक्ष है वो थीटा का है, अब दोनों अलग अलग हैं, तो इसको अपन ये मान लेते हैं कि माना जो बायां पक्ष है वो एल एल प्लस वन के बराबर है, और जब ये एल एल वन के बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, इसका आप सॉल्व करेंगे, इसमें कैपिटल आर का गुणा हो जाएगा, इसको यहाँ ले आएंगे तो ये रूप आपको दिखेगा इसका। क्लियर? अब जो दूसरा जो पद है दाईं ओर वाला वो भी किसके बराबर होगा, एल एल प्लस वन के बराबर होगा, आप देख पा रही हैं जब, तो अब जब ये इसके बराबर होगा तो आपने इसके बराबर लिख दिया ये एल एल प्लस वन, पक्षांतरण किया आपने तो वाई इधर आ गया और इसको बाकी वाली सारी पद इस तरीके से आ गई। तो इस तरीके से अपन ये देख पा रहे हैं कि समीकरण जो आठ है उसमें केवल स्मॉल आर पर डिपेंड करता है, ये इसका क्या कहते हैं रेडियल पार्ट कहलाता है। ऐसे ही जो समीकरण नौ है ये केवल थीटा और फाई पर डिपेंड करता है, तो ये इसका जो जो है द्विघंशीय वाला पार्ट कहलाता है। तो चरों की पृथक्करण की विधि से इस प्रकार क्या कर रहे हैं, दोनों पदों को अलग अलग अपन कर लेते हैं। तो कैपिटल वाई बराबर क्या माना था अपने, थीटा और फाई का फलन माना था, उसको अपने लिख लिया। अब यदि चाहें अपन इसको तो दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं, किस वाले पद को, वाई वाला, यानी ये जो वाई है जिसको अपने वाई माना है, इस वाई को अपन वाई को देखोगे आप तो वाई को अपने क्या माना था, वाई को जो माना था वो ये माना था कि वाई का जो मान है वो क्या है, वाई बराबर क्या है, थीटा और ये फाई,
इन दोनों को वापस यहाँ पर चरों के पृथक्करण की विधि से सॉल्व करते हैं, तो आपको सॉल्व करेंगे आप इनको, तो ये जैसे आप मान रखोगे यहाँ पर, तो आपको सॉल्व करने के बाद ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको इस तरीके से आती हुई दिखेंगी। ये जो देख रहे हैं आप, ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, कौन सी वाली, समीकरण नंबर 11 देख पा रहे हैं। और इसे आने के बाद फिर आप इसको पक्षांतरण करेंगे, इस तरफ लेके आ जाएंगे दोनों को, तो आपको इसमें इस वाले ये जो पद है इसको आपने क्या माना, एम स्क्वायर, इसको एम स्क्वायर मानोगे तो ये भी एम स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये समीकरण नंबर 11 से ही ये दो समीकरण बन के आ गए, समीकरण नंबर 12 और इसके क्या मान रखे आपने एम स्क्वायर वाले को। तो इस तरीके से जो आप क्या देख रहे हैं, चरों के पृथक्करण की विधि के द्वारा भी जो थीटा वाले पद हैं दोनों को, थीटा और फाइव वाले, उनको भी अलग अलग कर लिया गया है। एक समीकरण नंबर 12 है, एक समीकरण नंबर क्या है 13 है। इस समय आप इस पोजीशन पर हैं कि आपके पास तीनों तीनों ही पद हैं, यानी आपके पास साई जो माना था आपने चरों के पृथक्करण की विधि से, जिसमें कैपिटल आर भी है, जिसमें कैपिटल थीटा भी है और फाइव भी है। तो समीकरण नंबर 14 जो आपको दिखा रहा है वो तीनों पदों को आपको दिखा रहा है। अब यहाँ तक तो क्या कर लिया आपने, चरों के पृथक्करण की विधि के द्वारा एक तो त्रिज्यीय घटक ज्ञात कर लिया, फिर कैपिटल वाई वाला किया, पहले तो ये काम किया, फिर कैपिटल वाई को भी दो भागों में तोड़ लिया, थीटा वाले में और फाई वाले में। तो थीटा और फाई वाले समीकरण कौन से हैं, समीकरण 12 और समीकरण नंबर 13। तो इस तरीके समीकरण नंबर 14 जो आप देख पा रहे हैं, जिसमें कैपिटल आर है, थीटा है, फाई है, ये इसका यानी उसका जो हल है, तरंग फलन जो निकालने जा रहे हैं वो ये निकालने जा रहे हैं अपन। अब क्या करेंगे अपन कि जो त्रिज्यी जो समीकरण उसको अलग से मान निकालेंगे तो कैपिटल आर का मान आएगा, ठीक है। समीकरण नंबर 12 को सॉल्व करेंगे तो कैपिटल थीटा आएगा, समीकरण नंबर 13 को सॉल्व करेंगे तो समीकरण नंबर क्या आएगा, 13 को सॉल्व करेंगे तो फाई का मान आएगा। तो सबसे पहले अपन जो शुरुआत कर रहे हैं वो फाई के मान से ही कर लेते हैं कि इसके द्वारा ये कैसे निकाला जाएगा। तो सबसे पहले ऐसा जो समीकरण होता है जो आप देख रहे हैं, ऐसे समीकरण में क्या होगा कि इसका समीकरण अपन जानते हैं, ऐसे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका जो मान होता है वो फाइव बराबर क्या होगा, ए ई की पावर आइटा एम और फाइव। फाइव क्या है, कोऑर्डिनेट, सभी को ध्यान रहे जो बड़े थीटा है वो फंक्शन है, फलन है किसके, छोटे थीटा के, और जो बड़ा फाइव है वो फलन है किसका, फाई कोऑर्डिनेट का। ये सब चीज़ें आप सब लोगों को पता रहनी चाहिए, क्लियर। और आगे बढ़ते हैं, तो यदि अगर जैसे ये जो फाई का इक्वेशन है, ये फाई का इक्वेशन अगर ये जो फलन है ये नॉर्मलाइज्ड नहीं है, तो हमें को पता है कि नॉर्मलाइज्ड करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका एक के बराबर लिख देंगे इसको, सही सही स्टार इज इक्वल टू वन, और सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा ए टू, इसका मान आ जाएगा 2π और 1, यानी ए का मान कितना आएगा 1/2π का रूट, इस तरीके से आपको ये प्राप्त हो जाएगा। और अब आप क्या करेंगे यहाँ पर कि ये जो इक्वेशन है आपको जो प्राप्त हो रहा है फाई का, ये फाई प्लस 2r का भी मान आ गया आपका, सही सिंगल वैल्यूड है। तो इस तरीके से यानी ये जो इक्वेशन जो आप देख पा रहे हैं, ये जो फाई का जो समीकरण नंबर जो देख रहे हैं आप, समीकरण नंबर ये 16 है, समीकरण नंबर 16 में आप देख पा रहे हैं फाई इज इक्वल टू 1/2π का रूट ये की पावर आई टाइम फाई, ये इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट टर्न पर इसके जो कक्षीय कोणीय संवेग का जो क्वांटीकरण है उसको जानेंगे, तब तक आप इसको तैयार करें। थैंक यू वेरी मच।